सोलन में प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिमाचल में आई आपदा इतिहास की सबसे भयानक आपदा है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार ने काम किया है और उसको लेकर सरकार की तारीफ नीति आयोग और विपक्ष के बड़े नेताओं ने भी की है। साथ ही मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जून जुलाई अगस्त और सितंबर महीने में हुई बारिश से करोड़ों रुपए का नुकसान आका गया है, लेकिन सरकार ने सब चीजों को जहन में रखकर हर प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचाने के लिए काम किया। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए एक विशेष पैकेज दिया है। वो हिंदुस्तान के इतिहास में सराहनीय है और किसी भी राज्य ने आज तक इतना बड़ा पैकेज जो है वो अफेक्टेड लोगों को कभी भी नहीं दिया हुआ है। ये पूरा पैकेज 4,500 करोड़ रुपये का है, जिसमें 3,500 करोड़ रुपये के रूप में जो है लोगों को जो मकान नुकसान हुआ है उनको 1,30,000 रुपये की राशि बढ़ा करके जो है 7 लाख किया गया है।